हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। हाइड्रोसिल से रिलेटेड हमने पिछले वीक में और उससे पिछले वीक में हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उनके आधार पर। अब आपका जो मिला जुला जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो आ रहे हैं वो इस पर है कि अगर हमने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराया है तो ये सूजन कब तक कम होगी और हमें भारीपन से या मोटापन वहाँ पर महसूस होता है जहाँ पर कट लगा है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों ने भी अपना हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराया है और उनको जहाँ पर कट लगा है वहाँ पर इस तरीके का भारीपन या मोटापन महसूस हो सकता है आगे भी, बिकॉज इट्स वेरी नॉर्मल कि जब हमारी नॉर्मल स्किन होती है हाथ की, पेट की या फिर किसी भी जगह पर, अगर उस जगह पर कोई प्रॉब्लम होती है, चोट लगती है या कोई और वजह से अगर उस जगह पर एक कट लगा कर और उसमें फिर स्टिचिंग होती है जो डॉक्टर्स करते हैं, तो उस जगह को हम कंपेयर नहीं कर सकते एक नॉर्मल स्किन से अपनी। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी नॉर्मल स्किन होगी वो बहुत स्मूथ होगी और अगर हम उसको ऐसे पकड़कर छुएंगे या इस तरीके से हम उसको छुएंगे तो ये हमें सॉफ्ट भी लगेगी, लेकिन जिस जगह पर एक कट लग जाता है और स्टिचिंग हो जाती है अंदर की तरफ से, उसमें टांके लगाए जाते हैं अंदर की तरफ से, तो क्योंकि वो अंदर से स्किन ऐसे करके जुड़ती है तो उसमें अंदर टांके लगे होने की वजह से वो उस जगह पर मोटापन महसूस होता है क्योंकि अंदर से स्किन को जोड़ा गया है, अंदर से उसमें टांके लगे हुए हैं और जब स्किन कटी है उसमें उसको अंदर से जोड़ दिया गया है तो इस वजह से वो मोटी मोटी सी महसूस होती है। तो ये भी एक वजह है कि आपको ऑपरेशन के बाद भी जिस जगह पर ऑपरेशन होता है उस जगह आपको ये लगता है कि वो मोटी जगह है या फिर वो ठीक नहीं हो रही है, पहले जैसी नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है, जो प्रॉब्लम है हाइड्रोसिल की वो तो आपके ऑपरेशन की वजह से सॉल्व हो ही गई है, लेकिन हाँ वहाँ पर थोड़ा सा मोटापन महसूस होना, थोड़ा भारीपन लगना, ये इसलिए अब है क्योंकि वहाँ पर कट लगा है और अंदर की तरफ से उसमें टांके लगे हुए हैं। तो इसमें आप बिल्कुल चिंता ना करें कि क्यों मोटा है वो और क्यों वहाँ पर भारीपन लग रहा है, बिकॉज ऑफ स्टिचिंग जो अंदर टांके लगे हैं उसकी वजह से ऐसा है। और लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप फॉलोअप के लिए जाइए, डॉक्टर के पास दिखाइए जहाँ पर भी आपने उसको कराया है, बट नो इश्यू। ऐसा जो आप सोच रहे हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें जो क्या ये ठीक नहीं हुआ है या फिर ये प्रॉपर पुराने साइज में नहीं आ रहा है, तो ये माइट बी पॉसिबल कि क्योंकि उसके अंदर टांके लगे हैं तो वो स्किन में वो स्मूथनेस, वो मुलायमपन नहीं रहेगा जो कि पहले था, तो वो सिर्फ कट की वजह से। लेकिन बाकी आपको सोचो कोई प्रॉब्लम है अंदर, तो ऐसा नहीं है, जो ऑपरेशन आपका करता है डॉक्टर तो वो अच्छे तरीके से होता है और उसके बाद इस तरीके का महसूस होना नॉर्मल है। ये एक्सपीरियंस आप किसी ऐसे बंदे से भी ले सकते हैं जिसने कभी पेट में ऑपरेशन कराया है, हाथ में कहीं कोई कट लग गया, उसमें टांके लगे, उस जगह को जब भी आप छुएंगे तो वो मोटा लगेगा, वो उस जैसा स्मूथ नहीं होगा जो कि हमारे बॉडी की पास की जो दूसरी स्किन होती है उस जैसी। तो इसलिए घबराए नहीं, परेशान नहीं हो कि अगर हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ है तो वहाँ पर आपको भारीपन लग रहा है या फिर सूजन है या ये सूजन कम नहीं हो रही है, वो सूजन नहीं है वो, बल्कि अंदर से जो टांके लगे हैं उसकी वजह से आपको भारीपन या मोटापन या सूजन जैसी लग रही है। लेकिन हाँ, सूजन का जो डिटेक्ट करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि अगर सूजन है तो वहाँ पर आपको दर्द फील होगा, लेकिन दर्द का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर उस जगह को ही दबाएं जिस जगह पर टांके लगे हैं तो फिर आप कहें नहीं दबाने से अब दर्द हो रहा है। नॉर्मल अगर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो तब आपके दर्द वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ज़बरदस्ती आप दबाएंगे उस जगह पर, प्रेशर डालेंगे, तो नॉर्मल है कि उस जगह पर दर्द आपको फील हो सकता है क्योंकि नॉर्मल स्किन और एक जगह पर जहाँ स्टिच लग जाते हैं उस स्किन में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इसलिए इस तरीके का जो सवाल आपका था कि क्या उस जगह पर सूजन है, क्या उस जगह पर कोई प्रॉब्लम है जो अभी तक वो अपने साइज़ में नहीं आया, तो ये बिल्कुल किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न अपने मन में ना रखें और बी हैप्पी, खुश रहें और आगे ये प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो अंडरगारमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्ट आप यूज़ करें, और उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखें। तो नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।